आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक, चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है शुरू। बीजेपी ऑफिस पहुंची 24 सदस्यीय चुनाव समिति, पहले दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन होने जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई है, जहां पर चुनाव समिति की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस में इस वक्त 24 सदस्यीय चुनाव समिति की टीम मौजूद है, जहां पर पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, चुनाव समिति की ये बैठक जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। 24 सदस्यीय चुनाव समिति जो है वो वहां पर मौजूद है, जहां पर पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन होने जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर मानी जा सकती है, बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक इस वक्त आयोजित हो रही है। वहीं से खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है, बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अनुष्का, आज सोमवार है और आज 24 सदस्यीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो पार्टी के राज्य मुख्यालय पर इस वक्त चल रही थी। और साफ तौर पर इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ साथ संजीव बाल्यान जो कि सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राजवीर सिंह, विनोद सोनकर, ब्रजेश पाठक प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी, वही सत्य कुमार और सुनील ओझा जैसे प्रमुख नाम जो थे वो शामिल थे। और कुल मिलाकर रणनीतियां तय करनी है आगे की कि अब क्या होगा, क्योंकि प्रत्याशियों की सूची पर विचार विमर्श करना है, प्रत्याशियों को डिक्लेयर करना है, कहां पर कौन सा प्रत्याशी रखना है, इन सबको लेकर के जो तैयारियां हैं, जो बैठकें हैं, उनका दौर जो है वो बीजेपी कार्यालय पर शुरू हो चुका है। 4 बजे की ये बैठक जो शुरू हुई थी वो लगभग अभी चल रही है। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी कुछ ऐसे जो जिले हैं जो फर्स्ट फेज में, जहां पर वोटिंग होनी है, फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है, वहां के प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा सकती है। जी नितिन, किस प्रकार से देखते हैं कि जो मंथन इस वक्त चल रहा है, क्या लगता है कि जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं पर ही विश्वास जताया जाएगा या कुछ इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, जो कमेटी होती है वो कमेटी पूरा फीडबैक लेती है कि पुराना जो प्रत्याशी है या पुराना जो विधायक है उसने कितना बेहतर काम किया है, जनता उससे कितनी खुश है, जो वहाँ के कार्यकर्ता है वो उससे कितना खुश है, वो सारा फीडबैक जो होती है वो लेती है। और फीडबैक लेने के बाद उसमें काटना छाटना जो होता है वो छटनी करी जाती है, और छटनी करने के बाद ये फैसला किया जाता है कि हमें किसे प्रत्याशी बनाना है किसे नहीं। हालांकि इधर देखा जाए तो करीब एक बड़ी संख्या में 150 से ज्यादा बीजेपी के मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की भी आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसे में उस नाराजगी को भी बीजेपी को समेटना है कि अगर ऐसा होता है तो जो बीजेपी के मौजूदा विधायक जिनका टिकट कटेगा उनको कैसे मनाया जाए, कहीं वो दूसरे दलों की तरफ से टक्कर ना चले जाए, ये सारा जो गणित है इस गणित को बिड़ाने में भी अब पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी कार्यालय में इस वक्त अहम बैठक आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव समिति की बैठक इस वक्त बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।